सोनीपत में बोर्ड परीक्षा पेपर आउट करने वाले दो युवकों को दबोच लिया गया है। दोनों पर मोबाइल को का पेपर आउट करने का आरोप लगा है। सोनीपत के जागसी गांव में परीक्षा केंद्र से पेपर वायरल हुआ था। बोर्ड की नई तकनीक से पेपर आउट होने का खुलासा हुआ। इतने जिस छात्र ने पेपर का फोटो खींचा था उस पर भी कार्रवाई हो रही है। जागसी केंद्र से पेपर लीक होने के मामले में संबंधित कमरे के सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सुपरवाइजर बलराज के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। इसके साथ ही आज होने वाली हिंदी की परीक्षा को जागसी और ताजपुर परीक्षा केंद्रों पर रद्द कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र को गोहाना शिफ्ट किया गया है और केंद्र अधीक्षक, एक सुपरवाइजर और केंद्र के क्लर्क को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। किसने भेजा था? मेरा। वैसे ही भेज दिया, नंबर नहीं पता? नंबर किससे मंगवाया था? तूने किस किस के पास भेजा? कितने जनों के पास भेजा? वैसे लिए थे या वैसे भेजा? यहाँ किस लिए आया था? किसके साथ आया था? यहाँ क्या करता है? पढ़ता है? कौन सी क्लास में? इसमें से आया जी, इसमें से एक आपका जिसमें आप निकाल गया। आपने देख लिया था? मैंने देख लिया था, कोई पता नहीं लगा, मैं खींच के ले गया या ना ले गया। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तो सिग्नेचर करवा रहा था, मुझे पता नहीं लगा, अब आप स्टेटमेंट बदल रहे हैं। करवाते करवाते जी यहाँ नजर पड़ी, नहीं मैं भाग गया। 8-10 बच्चे हो रहा है, सारा दिन डिस्टर्बेंस रखते हैं, क्योंकि मैं दरवाजे नहीं है। सबसे बड़े वो दरवाजा टूट गया, ये खिड़की टूटी, ये टूटी हुई है, व्यवस्था नहीं है बढ़िया। मैं जैसे जी मेरे पास फोन आए, बार शेट पेपर आउट आ गया, पेपर आउट हो गया, मैं राउंड पे गया जी, तो मैंने सारे कुमरा में चेक करा, 12 नंबर जो ड्यूटी दे रहा था उसके पास मेरे को फोन मिला था सर, और वो मेरी जेब में था, इतनी देर में आ पा गए जी, और दो फोन मेरे पास, मेरा था और एक उसी का है जी। बिल्कुल, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी थी। जिस बच्चे के उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची थी, वो क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल फॉर्म में उनके फोटो गलती से निकल गया है, वो भी दोषी है इसके।